हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताने वाला हूं कैंची में धार लगाने का, जो कि आप इजीली घर में रसोई में काम आने वाली चीज़ों से आप कैंची को बेहतर बना सकते हैं। गाइज, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि मौसम चल रहा है बारिश का, और बारिश के मौसम में कैंची हमारी बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है। जैसे कि देख सकते हैं हमारी कैंची में जंग लग गई है, और भले ही हमारी कैंची में धार लगी हुई हो, लेकिन अगर जंग लग जाती है तो हमारी कैंची फिर ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हमारी कैंची हो गई है। अब इससे हम कपड़ा काटेंगे तो कपड़ा भी नहीं कटेगा। देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से जंग ने हमारे कपड़े को मतलब हमारा कपड़ा जंग की वजह से नहीं कट रहा है। उसके साथ साथ अगर आपकी कैंची अच्छी ना चल रही हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है, आपको एंड तक वीडियो देखना है लास्ट तक। आपको 3 से 4 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे आप इजीली घर पर कैंची में धार लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं, आपको कैंची थोड़ा पानी में, सबसे पहले पानी ले लें। आपके पास अगर गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप सिंपल पानी भी ले सकते हैं। इस तरीके से कैंची को थोड़ा इस तरीके से पानी में इस तरीके से कर लें, थोड़ा यानी कि गीला कर लें। इस तरीके से करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपके घर में इजीली ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, इसे हार्पिक बोलते हैं। तो इसे इस हार्पिक को ले लें। ध्यान रखें, हार्पिक हार्मफुल होता है, इसलिए इसे हाथों से टच ना करें। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हार्पिक को इसके ऊपर डायरेक्ट डाल लें। हमारा हार्पिक ख़त्म हो गया है, इसलिए थोड़ा ही हम यूज कर पाएंगे। इस तरीके से हार्पिक को ले लें और इस तरीके से इसमें लगा लें। आप ब्रश का ब्रश यूज कर सकते हैं, ब्रश से आपकी हाथों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे उठा लें और इस तरीके से ब्रश से आप कुछ इस तरीके से कर लें, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट इस तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कैंची की सारी जंग निकल के बाहर आ जाएगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। आप लोगों से गुजारिश है, जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपको हाथों से नहीं टच करना है, बस ब्रश का यूज करना है। आपकी सीजर इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी, आपको धार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपको बस इस तरीके से आपको कर लेना है। जाती है गाइस, काफ़ी काम का है हार्पिक हमारी कैंची में धार लगाने के लिए भी। ये भाई मेरा हार्पिक जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ यूज ज़्यादा होता है इसका। तो इस तरीके से अच्छे से साफ कर लें। देख सकते हैं गंदगी छूट रही है आप भी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान रखें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा ये वाला ऑयल भी डाल लेना है। ये कौन सा ऑयल है आप कमेंट ज़रूर करें, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे ये कौन सा ऑयल है। ज़्यादा पड़ गया, देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से डालें भाई, हमारी ढक्कन जल्दी खुल गई। तो इस तरीके से इसे अच्छे से डालें। देख सकते हैं हमारी सीजर एकदम, ये लगेगा आपको कि बिल्कुल शार्प हो चुकी है। अभी आपको नेक्स्ट बताएंगे आपको क्या करना है। इसके बाद अच्छे से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट करें, या कमेंट में हम आपको ज़रूर ही बताएंगे, आप जो भी पूछेंगे। इस तरीके से साफ कर लें। अब हमें क्या करना है, हमारा हार्पिक गायब हो गया है इसमें से, तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पानी डाल लें, पानी में डाल के अच्छे से इसे साफ कर लें। देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल आई है, ध्यान रखें, इससे तुम्हारी गंदगी इसकी साफ़ हो गई। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट आपको क्या करना है, ताकि आपकी सीजर अच्छे से शार्प हो जाए। देख सकते हैं हमारा ब्रश भी एकदम चमकने लगा है। तो इसे अलग कर दें पानी को। अब हमें क्या करना है, एक सूती कपड़े से इसे पोंछ लेना है। सबसे पहले आपको सूती कपड़े से इसे पोंछ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना, ध्यान रखें, पानी अगर लगा रहेगा तो हमारी कैंची दोबारा फिर जंग पकड़ लेगी। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अब आपको लेना है, ये हमारे पास रेगमाल है, आपको रेगमाल ले लेना है और रेगमाल से धार बना लेनी है। धार कैसे बनाएंगे, इस साइड थोड़ा तिरछी साइड में हमें धार को बनाना है। हमारी सीजर अच्छे से काम करेगी बिल्कुल 100% गारंटी के साथ।
जमाई तिरछे हिस्से पे धार लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें। देख सकते हैं हमारी सीजर एकदम चमकने लगी है और ये अच्छे से काम भी करेगी। आपको इस साइड भी करना है लेकिन ध्यान से करें थोड़ा, ताकि अच्छे से गंदगी इसकी निकल जाए। उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या करना है वो भी हम बताएंगे। इसके बाद में क्या करना है देख सकते हैं, काफ़ी गंदगी इसमें निकल रही है। देख सकते हैं गाइस, कैंची हमारी बिल्कुल नए की तरह हो जाएगी, बस आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करना है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। कैंची हमारी काफ़ी हद तक अच्छी हो गई। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट में ध्यान रखें, अगर आपके पास खाली ये रैपर है दवाई का रैपर, तो आप इससे इसे कट ज़रूर करें, छोटे छोटे इसे पीस ज़रूर कट करें, क्योंकि ये मोटा होता है इसलिए जल्दी कट जाती है, अभी कपड़ा काटने में प्रॉब्लम देगी ये कैंची। तो इस तरीके से अगर आपके पास दवाई का रैपर है तो इसे ईज़िली यूज करें। उसके बाद अगर आपके पास ख़राब रेगमाल है तो आप रेगमाल को भी काटें, इस तरीके से कट करेंगे तो आपकी सीजर और भी शार्प हो जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करें, देख सकते हैं आपकी सीजर एकदम मस्त चलेगी और अच्छे से काम करेगी। देख सकते हैं गाइस इस तरीके से, अपनी जब भी आपको टाइम मिले तब आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी कैंची अच्छी चलेगी और कभी धार लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना नेक्स्ट में, आपको इस तरीके की अगर आपके पास पेंचकस है तो आप इस तरीके से कुछ इस तरीके से सीजर पे इस तरीके से करेंगे, जैसे हम इसे काट रहे हों इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी सीजर और भी बेहतरीन चलेगी। अब हमारी सीजर पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। ध्यान रखें एक बार में ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप बिल्कुल अच्छा कर लें, सभी स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी सीजर अच्छे से काम करेगी। उसके बाद आपको लगाना है ऑयल, ऑयल कौन सा लगाना है आप ये मशीन वाला ऑयल लगा सकते हैं। ध्यान रखें अगर ऑयल है ऑयल लगाएं, नहीं तो आप ये वाली वैसलीन भी लगा सकते हैं, वैसलीन हमारी इससे जंग नहीं पकड़ेगी और हमारी सीजर अच्छे से काम करती रहेगी। ध्यान रखें ऑयल अगर है तो ऑयल लगा लें, नहीं है तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं, इससे हमारी कैंची दोबारा जंग नहीं पकड़ेगी। ध्यान रखें अब हम आपको चला के दिखाएंगे कि हमारा कपड़ा काट रही है कि नहीं काट रही। देख सकते हैं वैसलीन से भी काफ़ी हद तक गंदगी निकल रही है, देख सकते हैं वैसलीन भी हमारी सीजर को देख सकते हैं कितना अच्छे से साफ कर रही है। तो आज उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारा को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं हमारी कैंची कपड़ा काट रही है नहीं काट रही। देख सकते हैं पहले से एकदम हवा में काम करने लगी, पहले बिल्कुल ही कपड़ा नहीं काटती थी लेकिन अब ये कपड़ा आसानी से उड़ा रही है, बिल्कुल बिल्कुल नई की तरह हमारी सीजर काम करने लगी है। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा और जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी माता है मैंने भाई वीडियो देख रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।